कब तक होश नहीं आए? It's okay. ये sedatives का effect है. She's absolutely fine, okay? पक्का ना? 100%. अब दिखाते नहीं है लेकिन आप भी बहुत टेंस्ड हैं. इतना तो मैं आपको समझने लगा हूँ डॉक्टर. मम्मी सबर रिलैक्स. डॉक्टर देखिए ना मम्मी को. तुम बाहर जाओ. शी विल बी फाइन. मम्मी सबर मैंने कहा ना तुम बाहर जाओ. आई एम गोना हैंडल दिस प्लीज. मम्मी आउट 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 प्लीज. एक काम करो डॉक्टर रोमा को बुलाओ राइट अवे. ओके Come on, Anupma, just be with me, okay? Samar? बेटा अनुपमा कैसी है? आप यहाँ? मेरा दिल घबरा रहा था बेटा इसलिए सोचा अनुपमा को देख लूं. कैसी है वो? वो शायद मम्मी समर क्यों मम्मी एक केक से कुछ नहीं होगा भाई. मम्मी का वेलकम ना ग्रैंड होना चाहिए प्रॉपर डेकोरेशन में. वेरी गुड आइडिया. मैं वेलकम कार्ड बना लेती हूँ. और मैं रिजॉर्ट वालों से डेकोरेशन का सामान लेके आता हूँ. और मैं आम लेकर आई हूँ. भाभी को आमरस बहुत पसंद है ना तो हम लोग उनके लिए आमरस बनाएंगे. ओके मैं उनके लिए फ्रेश फ्लावर्स लेकर आऊंगी. वाओ बताओ चलो क्या हेल्प करनी है. सब ठीक हो जाएगा समर. सब ठीक हो जाएगा बेटा. सब ठीक हो जाएगा. मम्मी मम्मी अनु तुम्हें कुछ नहीं होगा. अनु मम्मी और रॉकस्टार मम्मी रॉकस्टार इतनी जल्दी हार नहीं मानते. कम ऑन अनु यू कांट गिव अप. यू कांट गिव अप. यू जस्ट कांट गिव अप. मम्मी प्लीज आंखें खोलिए. मम्मी प्लीज कम ऑन अनुपमा. फाइट बैक. जस्ट फाइट बैक प्लीज फॉर गॉड्स सेक. सबके लिए लड़ती हो तुम. आज अपने लिए नहीं लड़ोगी. मम्मी आपने कहा था कि आप इतनी जल्दी दुनिया छोड़ के नहीं जाएंगी. आपने प्रॉमिस किया था कि आप ठीक हो जाएंगी. मम्मी आपको स्वीटी की शादी करवानी थी. डांस अकेडमी देखनी थी. प्लीज मम्मी आगे खोलिए. आप इतनी जल्दी नहीं जा सकती. मम्मी प्लीज मम्मी. मैंने तुम्हारी हर बात मानी अनुपमा. डिवोर्स ले लिया. शादी कर ली. फिर तुम इतनी जिद क्यों कर रहे हो? क्यों जा रहे हो तुम? मम्मी प्लीज उठिए ना. मम्मी अभी उठिए. मम्मी अभी तो आपने असली जिंदगी भी नहीं देखी थी. अभी तो आपकी असली जिंदगी शुरू हुई थी. मम्मी आपको बहुत कुछ करना है. मम्मी प्लीज आंखें खोलिए. अगर आपको कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा. मम्मी प्लीज आंखें खोलिए. तुम्हारे बाद मुझे लेक्चर कौन देगा अनुपमा? मुझे बेवकूफियां करने से कौन रोकेगा? मेरे बाप बापूजी मेरे परिवार को कौन संभालेगा अनुपमा? प्लीज तुम ऐसे नहीं जा सकती. तुम ऐसे नहीं जा सकती. वी ऑल नीड यू अनुपमा. सब कुछ टाइम पर हो जाएगा. बस मम्मी जल्दी से आ जाओ. अरे समर को फोन करके पूछो तो बोलो कब आ रहे. हाँ मां. बाप वो फोन नहीं उठा रहा है. क्यों? कहीं अनुपमा? नहीं नहीं मम्मी वो समर की आंख लग गई होगी. रात भर जाग रहा था ना बेचारा. अब चलो चलो हम लोग डेकोरेट करते हैं. अभी वेयर आर यू?
भागना अगर ओलंपिक गेम होता तो समधी जी गोल्ड पे गोल्ड लाते। Just kidding. ये लो तुम्हारी खीर की कटोरी। कैसी बनी थी खीर? अरे ये इतने सारे कौवे कहाँ से आ गए? तुम्हारी खीर खाने आए थे। तुमने मेरी बनाई हुई खीर सारी कौवों को खिला दी? उन्होंने भी काफी छोड़ी थी। I don't believe this. अब मैं क्या करती? पहली बात ये कि मैं शुगर खाती नहीं और दूसरी बात ये कि तुम्हारी बनाई हुई खीर खा के मैं मरना नहीं चाहती। ऐसे क्या घूर रही हो? तुम्हें मन ही मन गालियां दे रही हूँ। थैंक यू एंड सेम टू यू। समधी जी को ढूंढने जा रही हो? तुम अपने काम से काम रखो ना प्लीज। एनीवेज ये है तुम्हारी पहली रसोई का शगुन। सास ससुर ने दिया नहीं होगा तो सोचा मैं ही दे दूं। थैंक्स बट नो थैंक्स। मुझे तुम्हारी फेक सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं है। प्लस बापूजी ने मुझे शगुन दे दिया है। शगुन मिल गया? वाव। पर वो नहीं मिला ना जो तुम्हें मिलना चाहिए। पति का प्यार, पूरे परिवार का एक्सेप्टेंस नहीं मिला ना। अब तुम मानो या ना मानो तुम्हारी दुख सुख के साथ ही मैं ही हूं। चलो रिलैक्स करो और बताओ समधी जी कहाँ है? अनुपमा के पास होगा और क्या। सुबह आया फ्रेश हुआ और गायब। ओह एंड यू ओके अबाउट इट? इम्प्रेसिव। तुमने इतनी जल्दी गिव अप कर दिया एक ही दिन में? गिव अप माय फुट? मैं सिर्फ इसीलिए चुप हूँ क्योंकि वी के पास अनुपमा की बीमारी का बहाना है। जिस दिन अनुपमा ठीक हो गई ना उस दिन तुम मेरा असली रूप देखना। वी को अनुपमा से क्या, मैं सबसे दूर कर दूंगी। आपका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा मासी। मैं भी उसी घर में आने वाली हूँ और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। पहले आके तो दिखाओ, बात तुम्हें आने देगी तब आओगी ना। बात समर से बहुत प्यार करती और आज नहीं तो कल वो हमारे रिश्ते के लिए भी मान जाएंगी। फिर मैं उस घर की बहू बनकर आऊंगी और आप जैसे अपने सास के साथ करेंगी ना बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही मैं अपने सास के साथ करूंगी। I mean, आपके साथ करूंगी। इसीलिए कह रही हूँ सुधर जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि वनराज अंकल को सबसे दूर करते करते आप ही उनसे दूर हो जाए। तुम्हें शायद प्यार की ताकत का अंदाजा नहीं है और आपको परिवार की ताकत का अंदाजा नहीं है। वाह तुम्हारी भांजी तो बिल्कुल जूनियर अनुपमा बनती जा रही है। उससे लगता है कि अनुपमा की चमचागिरी करके वो उस घर की बहू बन जाएगी। मगर ऐसा होगा नहीं, बा कभी नहीं मानेगी। अरे बा तो क्या, अब तो मैं भी नहीं मानूंगी। वाव इतना तो ऊन भी नहीं उलझते जितना रिश्ते उलझ रहे हैं। अच्छा है ना, जितना ज्यादा उलझेंगे उतनी आसानी से टूटेंगे।